जी रहा हूँ एक नए अंदाज से, ज़िंदगी जीने का जौहर मुझ में है और ज़िंदगी के हसीन लम्हों की एक झलक है प्रोग्राम सिलसिला। मैं हूँ आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए एक नज़र आज के सफ़र पर। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मशहूर गायक सुदेश भोसले ने अपने गीतों से नाकाबिले फरामोश अदाकार राजेश खन्ना को याद किया और ये शाम रही उनकी याद में रंगी एक हसीन शाम। अरे ये दुनिया वाले ना तो खुद चैन से जीते हैं ना दूसरों को चैन से जीने देते हैं। आई हेट यस पुष्पा इन आंसू को खोल दो ये बात कीमती है। तालकटोरा ऑडिटोरियम और लोगों का हुजूम और आवाज के एक से बढ़कर एक जादूगर। उनमें से एक नुमाया नाम सुदेश भोसले का। सुदेश भोसले ने इस यादगार शाम में अपने गीतों के जरिए याद किया राजेश खन्ना को। जाएंगे पर किधर है किसे खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई प्लेबैक सिंगर के रूप में सुदेश भोसले ने अपना एक अलग मकाम बनाया और उनकी आवाज बनी बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की आवाज भी।
शुरुआत डबिंग आर्टिस्ट के रूप में हुई और फिर मिमिक्री और फिर प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्होंने बॉलीवुड को दिए एक से बढ़कर एक नगमे। दिल्ली के गांधी दर्शन के सत्याग्रह मंडप में प्रभाष परंपरा न्यास और गांधी स्मृति और दर्शन समिति ने मिलकर देश के जानी मानी शख्सियत सुप्रसिद्ध पत्रकार और हिंदी समाचार पत्र जनसत्ता के संस्थापक संपादक प्रभाष जोशी की याद में प्रभाष प्रसंग नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया और इस खास मौके पर मशहूर गायिका कलापिनी कोंकली ने अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश किए। जानी मानी शख्सियत और हिंदी समाचार पत्र जनसत्ता के संस्थापक संपादक प्रभाष जोशी को उनके 75वें जन्मदिवस पर याद करते हुए प्रमाण परंपरा न्यास गांधी स्मृति और दर्शन समिति की ओर से प्रभाष प्रसंग नाम से गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हमारा संविधान और व्यवस्था विषय पर व्याख्यान से हुई, जिसमें वक्ता के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने अपने मखसूस अंदाज में प्रभाष जोशी को याद करते हुए अपनी बात रखी। प्रभाष जी की सार्वजनिक छवि, उनकी लेखनी, जितना उन्हें मैं निजी तौर पर जानता था, ऐसा नाम है कि जिस नाम को जब मैं अपने इतिहास पे नज़र डालता हूँ तो मुझे अमीर खुसरो याद आते हैं। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव, हिंदी के मशहूर आलोचक नामवर सिंह और कई जाने माने लोगों ने प्रभाष जोशी की पूरी शख्सियत और उनकी ज़िंदगी को याद करते हुए अपने अपने ख्याल का इजहार किया। प्रभाष जोशी एक अच्छे पत्रकार भी थे, जैसा कि आपने आज सुना। उन्होंने गांव में जा कर के काम भी किया, गांव के गलियों की सफाई भी की, चरखे भी चलाए। उनकी जीवन शैली में बहुत कुछ ऐसा था जो गांधी जी से प्रभावित था, और उनकी पत्रकारिता में भी वो बहुत कुछ था जो गांधी जी से प्रभावित था। प्रभाष जी, मैं मानता हूँ कि एक जो भारत आज़ाद हुआ और उसका नवनिर्माण शुरू हुआ, तो प्रभाष जोशी नवनिर्माण की संतान थे और पूरी ज़िंदगी उन्होंने नवनिर्माण के लिए जो जो काम हो सकते हैं उसको लिखकर, पढ़कर और खुद अभियान चला करके पूरे जीवन में प्रयास किए। मेरे ख्याल से अब के दौर की पत्रकारिता में प्रभाष जी सरीखे लोग ना हो, प्रभाष जी की परंपरा ख़त्म हो, प्रभाष जी जिस वैचारिक और जिस पत्रकारीय मूड को जीना चाहते थे वो ना हो, तो ये एक वैचारिक संकट है और ये पूरे समाज का संकट है। इस मौके पर प्रभाष जोशी पर केंद्रित प्रथम प्रवक्ता पत्रिका की विशेष अंक का लोकार्पण किया गया। उनका निधन एक पत्रकारिता के लिए एक युग समाप्त हुआ है। पहले के पत्रकार जब लिखते थे तो ऐसा लगता था उन्होंने सोचा, समझा, चिंतन किया, और आजकल ऐसा लगता है कि न्यूज़ जल्दी से देनी है। वो आजकल पत्रकारिता नहीं है, न्यूज़ है। प्रभाष जोशी अपने आप में एक संस्था थे और पत्रकारिता के बारे में तो बहुत सारी बातें चर्चा में आई हैं। सिर्फ वो पत्रकार नहीं थे बल्कि वो
एक सामाजिक सरोकार से संबंधित जितनी चीज़ें थी सबसे संबंधित थे, क्रूसेडर थे। देखिए, मुझे इस बात की खुशी होती है कि प्रभाष जी ने जो लीक डाली पत्रकारिता में, जो एक जड़ता चली आती थी भाषा को लेकर के, विचार को लेकर के, जिसको उन्होंने तोड़ा, वो लीक जो है वो आगे कायम है, बढ़ रही है। इस शाम को खूबसूरत और यादगार बनाने की गरज से ग्वालियर घराने की मशहूर गायिका कलापिनी कोंकली ने अपने अंदाज और आवाज में बंदिशें पेश की। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के तीन मूर्ति भवन के नेहरू मेमोरियल सभागार में लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद किया, उनसे जुड़ी उनके अपनों ने और सियासत की जानी मानी हस्तियों ने। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन की रजत जयंती पर सच और सादगी की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री को कुछ यूं याद किया उनके बेटे सुनील शास्त्री ने। हम जब क्लास नाइन्थ या टेंथ में पढ़ता था मैं, उस समय हमारे दोस्तों ने हमें बुला लिया था खाने पर, और रात में हम लोग जा रहे थे घर, उनके घर पर खाने, तो मेरे बड़े भाई अनिल जी ने और छोटे अशोक ने कहा कि क्यों ना आज सुनील हम लोग बड़ी गाड़ी में चलें, इम्पाला शेवरलेट जो गवर्नमेंट की गाड़ी थी उसमें क्यों चलना चलें। और जब हम डिनर पे थे तो वहाँ हम भूल गए कि हम सरकारी गाड़ी लेकर आ गए हैं, बड़ी वाली गाड़ी लेकर आ गए हैं। सुबह तो मैंने देखा कि बाबूजी खड़े हैं, अब मेरे तो बिल्कुल हवा ही मेरी निकल गई, ज़मीन खिसक गई मेरी ज़मीन। तो मैंने कहा कि बाबूजी वो हम बड़ी गाड़ी लेकर चले गए थे। उनका चाय आई, हम लोग साथ साथ बैठ कर चाय पियेंगे। तो ड्राइवर से उन्होंने पूछा कि तुम लॉग बुक मेंटेन करते हो? उसने कहा हाँ सर करता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो कितने किलोमीटर चलाए इन लोगों ने, तो 14 किलोमीटर मैंने चलाई थी गाड़ी। तो उन्होंने कहा 14 किलोमीटर का जो है 80 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से आप जो है इसमें भर दीजिए, और इसमें लिख दिए कि निजी प्रयोग हुआ, और मुझसे कहा दस्तखत कर दो और अपनी अम्मा को बता देना, और जिससे कि आगे जो है उस पर इस तरह से सरकार के खजाने में हमारे सैलरी से पैसा चला जाए। मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि उन्होंने हम तीन भाई हैं, हम तीनों का नाम उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के गुणों पे रखा है। तो कहा जाता था कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत विनम्र व्यक्ति थे, तो मेरा नाम विनम्र है। मेरे छोटे भाई वैभव, उनके लिए कहा जाता था कि उनका व्यक्तित्व वैभवशाली है, इसलिए वो बीच वाले वैभव हैं, और उनसे जो भी मिलता था वो आनंद विभोर हो जाता था। तो विभोर, सबसे छोटे विभोर, तो हम तीनों का नाम विनम्र वैभव विभोर इसीलिए पड़ा है। बस इतना ही है कि जो उनका व्यक्तित्व है उसको आगे बढ़ाना है, और हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि जो नाम उन्होंने कमाया है उस नाम को हम आगे ले जाएं, और कम से कम इतना ज़रूर करें कि जो उनका अच्छा कार्य है वो आज की पीढ़ी में भी उसको बढ़ाएं, और उनको समझाएं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो आज से पहले 40 साल पहले किया था वो आज भी कितना
हमारे लिए जरूरी है और आगे भी कितना जरूरी रहेगा। इस मौके पर कोयला मंत्री श्री श्री प्रकाश जायसवाल ने लाल बहादुर शास्त्री को भारत के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री में से एक बताया। यहाँ शास्त्री जी की आत्मा बस जाए, वो जगह तो अपने आप में खूबसूरत हो जाती है। अब वो सादगी, वो निष्ठा, वो त्याग, वो तपस्या, वो ईमानदारी कहाँ आजकल देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी इन महफिलों में आने से पुरानी यादें जरूर तरोताजा हो जाती और लगता है शायद वो जमाना फिर से लौट कर आए। लाल बहादुर शास्त्री बेहद सादगी पसंद और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे, जिसकी झलक उनके पूरे परिवार में झलकती है। दिल्ली के राजेंद्र भवन सभागार में लिखावट और राजेंद्र प्रसाद अकादमी की ओर से बहुमुखी प्रतिभा के धनी युवा और तेजस्वी कवि अंकुर मिश्र की याद में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवा कवियों ने कविता पाठ किया। अंकुर मिश्र साहित्य की दुनिया का एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी जमीन खुद बनाई और अपनी साहित्य साधना से अपना एक अलग मकाम बनाया। बात केवल अंकुर के स्मरण की नहीं है, बात उस तरह की सृजनात्मकता और उस तरह के प्रश्नाकुलता के महत्व के रेखांकन की है। मैंने अंकुर को नहीं देखा, लेकिन अंकुर के स्मरण को देखता आया। उसके आधार पर आप सबकी तरह मैं भी कल्पना कर सकता हूँ कि अगर उस अंकुर का पल्लवन होता भौतिक अर्थ में, तो कैसा पौधा बनता और कैसा वृक्ष बनता। महज 21 साल के कम उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर चले जाने वाले युवा कवि अंकुर मिश्र की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई जाने माने लोगों ने हिस्सा लिया। कि उसके अनगढ़ शब्द वे लाल पत्थर हैं जिसने बुलंद अचल कुतुब मीनार खड़ी कर दी है, जिसे हिलाना बड़े बड़े तूफानों के बूते की बात है। एक पिता के तौर पे तो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक जैसा सभी लोग जानते हैं कि इतनी कम उम्र में वो नहीं रहे, लेकिन एक कवि के रूप में उन्होंने इतने कम उम्र में जो कविताएं लिखी हैं वो आज 10 वर्ष बाद भी सभी लोग पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं, इससे काफ़ी गर्व और संतोष तो होता ही है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने उनकी स्मृति में अंकुर मिश्र स्मृति पुरस्कार 5 वर्ष तक चलाए, जो 30 वर्ष से कम के कवियों को मिला और वो पुरस्कार स्थापित हो गया इतने कम समय में। उसकी शुरुआत फिर से करने जा रहे हैं। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में कई कवियों ने अंकुर मिश्र को याद करते हुए कविता पाठ किया, जो अंकुर की रचनाओं और उनके जीवन की याद को ताजा करा देती हैं। मैं तो वस्तुतः यहाँ मंच पर कुछ कहने के लिए इसलिए तैयार हो गया कि मेरे मन में एक बात यह हो रही है कि अनिल मिश्रा और मिथिलेश श्रीवास्तव, ये दोनों पिछले एक दशक में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई पड़े हैं जिन्होंने दिल्ली में, राजधानी में और राजधानी के बाहर भी युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया है। अगर कभी मैं खोज पाया नीला रंग तो वह आसमानी छतों और सागर की दरियों में नहीं होगा। अगर कभी मैं खोज पाया नीला रंग तो वह आसमानी छतों और सागर के दरियों में नहीं होगा, होगा वह कलम से लहूलुहान कागज की रेखाओं में। अगर यह भी न हुआ तो मैं खोज निकालूंगा उसे अंतरात्मा की परछाइयों। मैंने नील से कपड़े धोती माँ के हाथों में नीला रंग देखा है। मैंने नील से कपड़े धोती माँ के हाथों में नीला रंग देखा है। मैंने देखी है नीली पतंगे, नीले पहाड़, नीले जंगल और नीला कमल, नीला रक्त भी। नीला रक्त भी, काश यही नीला रंग होता मेरी जिंदगी का।
मैं मीर का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। अंकुर मिश्र की याद में, बहुत ना आशना, ना आशना का मतलब होता है अपरिचित, बहुत ना आशना थे लोग यहाँ के, चले हम चार दिन रहकर जहाँ में। ले रहे हैं हम एक और छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर के विजुअल आर्ट गैलरी में मनोज कचिंगल की ओर से सबलाइम ब्लेंड्स नाम की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें रंगों के जरिए सामाजिक बुराइयों को पेश किया गया। तो पेश है इस प्रदर्शनी की एक झलक। मनोज कचिंगल की ओर से आयोजित इस चित्र प्रदर्शनी में 50 से ज्यादा चित्रों का चयन किया गया और सभी चित्र एक से बढ़कर एक रहे। ये पेंटिंग सीमल और पलाश फूलों से प्रेरित रही, जो संगीन हालात के खिलाफ सांकेतिक आवाज को रंगों के जरिए बयां करने की एक कोशिश है। पर ये जिंदगी की झलक कह सकते हैं कि मेरी अपनी जिंदगी की झलक है कि मैंने जिंदगी में जो भी सीखा है, सुना है, समझा है और देखा है, उन सबके वजह से मेरे अंदर जो खुशी हुई, दुख हुआ, दर्द हुआ, ये उन सारी चीजों की झलक है। सबलाइम लेंस के नाम से इस चित्र प्रदर्शनी में मनोज कचिंगल ने अपने अनुभवों को एक कलाकार के रूप में पेश किया। और चलते चलते आपको लिए चलते हैं दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जहां पर मॉनसून फेस्टिवल का आयोजन किया गया और शेषाद्रि अयंगार ने भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी। हमें लीजिए इजाजत, आपकी राय का रहेगा इंतजार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं silsila.com/onrajyasabhatv के जरिए। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।